हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जया पांडे और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है आई एम जॉन्स हर्ट और इसको लिखा है जेडी रेडक्लिफ ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख लीजिए ताकि पढ़ते वक्त आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक जो हृदय है, यानी कि जो जॉन का हृदय है, वो अपनी व्यथा को, अपनी बातों को खुद से बताता है कि किस तरीके से उसे आराम की ज़रूरत है और जॉन को क्या क्या करना चाहिए जिससे उसके हृदय को आराम मिले। तो अब ये अपने बारे में ये भी बताता है कि किस तरीके से वो 70 वर्षों तक लगातार कार्य करता है और वो पूरे शरीर का एक सबसे मजबूत हिस्सा है। तो चलिए अब हम आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। दैट ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जरेशन आई डू रेस्ट बिटवीन बीट्स। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इन टू द बॉडी। तो इसमें जो हमारा जो जो हर्ट है वो हमें कह रहा है कि दैट यानी कि यह ऑफ कोर्स यानी कि वास्तव में इज यानी है अ स्लाइट यानी कि थोड़ा सा एग्जेजरेशन यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जरेट कर, मतलब कोई भी चीज़, कोई सच्चाई हो या कोई भी बात हो तो उसको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना या फिर किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसको हम कहते हैं अति अतिशयोक्ति। तो ये कह रहा है कि दैट इज ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जरेशन यानी कि यह वास्तव में यह एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, यानी कि वास्तव में मैंने जो कहा है उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला है। आई डू रेस्ट, आई यानी कि मैं, डू यानी यहाँ पे करना नहीं होगा, यहाँ पे डू का मतलब होगा कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, रेस्ट यानी कि आराम। ये कह रहा है कि हाँ मैं आराम भी करता हूँ। बिटवीन बीट्स, बिटवीन यानी कि बीच में, बीट्स यानी कि जो दो जो धड़कनें होती हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे जो हृदय है वो ये बता रहा है कि हाँ मैं आराम करता हूँ दो धड़कनों के बीच में। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड। इट यानी कि यह टेक्स यानी कि लेता है, अबाउट यानी लगभग, 3/10 यानी कि 3/3 यानी कि अगर किसी चीज़ के 10 हिस्सों तो हिस्से हों तो उसके जो 3 भाग हैं उतना, ऑफ यानी कि के अ सेकेंड यानी कि एक सेकेंड का, फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल, फॉर यानी कि के लिए, माई यानी मेरे, लेफ्ट यानी बाएं, वेंट्रिकल यानी होता है निलय यानी कि जो हमारे हृदय में जो पंप करने के लिए जो अलग अलग सेक्शंस बनाए रहते हैं उनमें का उसका एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं निलय। तो कह रहा है इट टेक्स अबाउट 3/10 यानी कि ये लगभग 3/10 ऑफ अ सेकेंड यानी कि एक सेकेंड का जो 3/10 हिस्सा है उतना समय लगता है फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि मेरे बाएं निलय के लिए टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी होता है सिकुड़ना, यानी कि मेरा जो मतलब हृदय बता रहा है कि जो मेरा बायां निलय है उसे सिकुड़ने के लिए लगभग 3/10 जो है सेकंड लगता है या फिर वो 3/10 सेकंड लेता है। एंड यानी कि और पुश ब्लड, पुश यानी कि भेजना, ब्लड यानी कि रक्त, आउट इनटू यानी कि बाहर द बॉडी यानी शरीर में, यानी कि वो जो निलय है उसे लगभग 3/10 सेकंड लग जाता है अपने आप को सिकुड़ाने में और वापस से शरीर में रक्त को भेजने में या रक्त का संचार करने में। तो जो हृदय है वो ये बता रहा है कि इन दोनों धड़कनों के और इस क्रिया के बीच में मैं जो है आराम करता हूँ। तो एक बार और इसको देख लेते हैं हम। दैट इज ऑफ कोर्स इज अ स्लाइट एग्जरेशन यानी कि यह वास्तव में एक, मैं बढ़ा चढ़ाकर इस चीज को कह रहा हूँ यानी कि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। आई डू रेस्ट, मैं, हाँ मैं आराम करता हूँ। बिटवीन बीट्स यानी कि धड़कनों के बीच में। इट टेक्स अबाउट 3/10 ऑफ अ सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मेरा जो बायां निलय है उसको सिकुड़ने में लगभग 3/10 जो है सेकेंड लगता है। एंड टू पुश ब्लड आउट इन टू द बॉडी और उसको इतना समय लगता है बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने में, रक्त का संचार करने में, और इस बीच में मैं आराम करता हूँ।
Then I have a rest period of half a second. Also, while John sleeps, a large percentage of his capillaries are inactive. So, as I don't push blood through them, my beat slows from a normal 72 a minute down to 55. तो अभी ये कह रहा है कि देन यानी कि फिर या फिर तब, आई यानी कि मैं, हैव यानी मेरे पास होता है, रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड यानी कि आराम का, विश्राम का समय, ऑफ हाफ अ सेकेंड यानी कि आधे सेकेंड का, यानी कि जब वो क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब उसका जो निले है वो जब अपने आप को सिकुड़ा कर जो ब्लड है वो शरीर में जब पंप करता है, तो उस वक्त इसके पास लगभग आधे सेकेंड का जो समय है वो उसे आराम के लिए मिल जाता है. तो वही जो हर्ट है वो हृदय है जो वो हमें बता रहा है कि देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड यानी कि तब मेरे पास आराम का समय मिलता है ऑफ हाफ अ सेकेंड यानी कि आधे सेकेंड का. ऑल्सो यानी कि भी, वाइल जॉन स्लीप्स, वाइल यानी कि जिस समय या फिर के समय जॉन स्लीप्स यानी कि सोता है, यानी कि और फिर जब जिस समय पर जॉन जो है वो सोता है, अ लार्ज परसेंटेज, अ लार्ज यानी कि बड़ी मात्रा में, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, यानी कि एक जो बड़े प्रतिशत में ऑफ यानी कि यानी उसके कैपिलरीज यानी कि जो उसकी कोशिकाएं होती हैं उन्हें, यानी कि जो जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, जो बड़े मात्रा में, यानी कि जब जॉन सोता है तो जो उस वक्त जो उसकी कोशिकाएं हैं वो बड़ी मात्रा की जो कोशिकाएं हैं आर इनएक्टिव. इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि जब वो सो रहा होता है, तो जब हम सो रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमें नहीं चलाने होते, जैसे कि हमें चलना नहीं होता है तो पैर नहीं चलाना होता है, हाथ नहीं चलाना होता है. तो वही बता रहा है कि जो हर्ट है वो हमें कह रहा है कि जब जॉन सो रहा होता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज यानी कि उसकी जो कोशिकाएं हैं उसका एक बड़ा प्रतिशत आर इनएक्टिव, वो निष्क्रिय होती हैं. सो यानी कि इसलिए आई डोंट पुश ब्लड, आई एज यानी कि इसलिए, आई यानी कि मैं, डोंट यानी नहीं करना, पुश यानी कि पहुंचाना या संचार करना, ब्लड यानी कि रक्त थ्रू देम यानी उनमें, यानी कि वो बता रहे हैं कि जब जॉन सो रहा होता है तो उसकी बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो निष्क्रिय होती हैं, तो मुझे उसमें ब्लड यानी कि रक्त को पहुंचाना नहीं होता है, रक्त का संचार करना नहीं पड़ता है. My beat slows from a normal, यानी कि my beat, यानी कि मेरी जो beat, यानी कि जो धड़कने हैं, slows, यानी कि धीमे हो जाती हैं, from, यानी से, a normal, यानी कि जो सामान्य जो होता है beat, यानी कि जो सामान्य धड़कन होती है 72, यानी कि 72 a minute, यानी कि एक मिनट में जो 72 बार धड़कने का जो सामान्य धड़कन होती है, तो वो कह रहे हैं कि उससे जो मेरी जो धड़कन है वो और ज़्यादा धीमी हो जाती है, डाउन यानी कि नीचे हो जाती है, तो 55 यानी कि 55 हो जाती है. तो इस वक्त ये बता रहे हैं कि माई बीट से स्लो, यानी कि जो मेरी धड़कने हैं वो धीमी हो जाती हैं, फ्रॉम अ नॉर्मल 72 मिनट डाउन टू 55, यानी कि जो सामान्य जो 72 जो है 72 धड़कन प्रति मिनट जो है उससे गिरकर वो 55 हो जाती है. तो चलिए इस सेक्शन को एक बार और देख लेते हैं. देन आई हैव अ रेस्ट पीरियड ऑफ हाफ अ सेकेंड, यानी कि तब मेरे पास जो है आधे सेकेंड का आराम का समय होता है. ऑल्सो वाइल जॉन स्लीप्स, यानी कि तब भी जब जॉन सोता है, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, यानी कि उसके जो कोशिकाएं हैं उनके उनका एक बड़ा प्रतिशत आर इनएक्टिव, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं. सो एज आई डोंट पुश ब्लड थ्रू देम, तो इसलिए मैं उनके अंदर जो है रक्त का संचार नहीं करता हूँ. माई बीट स्लोज फ्रॉम नॉर्मल 72 अ मिनट डाउन टू 55, यानी कि उस वक्त जो मेरी जो धड़कने हैं वो सामान्य जो 72 धड़कन प्रति मिनट है उससे गिरकर 55 हो जाती है. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हर्ट है वो हम बता रहे हैं कि उसको जो है आराम करने का समय तब मिलता है जब जॉन सो रहा होता है. उस वक्त जो है जो बाकी के जो उसके शरीर के जो अंग हैं, बहुत सारे उसके शरीर के अंग जो है वो कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसे समय मिलता है आराम करने का उसके हृदय का, क्योंकि जो शरीर के अंग निष्क्रिय होते हैं उस समय पर, उस उन अंगों में उसे खून का या रक्त का संचार नहीं करना होता है, तो उस वक्त जो उसकी धड़कन है वो 72 से गिरकर 55 हो जाती है. तो आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं. जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी विच इज गुड. आई डोंट वॉन्ट हिम टू बिकम वन ऑफ
those hurt neurotics and worry us both into real trouble. When he does worry about me, it is really always about the wrong things. One night, as he was drifting off to sleep, John suddenly thought I had skipped a beat. He was quite worried. Was I giving out on him? He needn't have been concerned. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें चलिए देखते हैं क्या होता है. जॉन हार्डली, हार्डली यानी होता है मुश्किल से, एवर यानी कि कभी भी, थिंग्स यानी कि सोचना ऑफ मी यानी मेरे बारे में. तो कह रहा है जो हृदय बता रहा है कि जॉन जो है वो बहुत ही मुश्किल से ही कभी मेरे बारे में सोचता है. विच इज़ गुड, विच यानी कि जो, इज़ यानी है गुड यानी कि अच्छा, यानी कि जो कि अच्छा है. तो इसमें जो हृदय वो कह रहा है कि जॉन जो है वो कभी कभार ही मुश्किल से ही मेरे बारे में सोचता है, जो कि एक अच्छी बात है. आई डोंट वॉन्ट हिम, आई यानी कि मैं डोंट वॉन्ट यानी कि नहीं चाहता हूँ, हिम यानी उसे, टू बिकम यानी कि हो जाना, यानी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हो जाए, वन ऑफ दोज यानी कि उनमें से एक, हार्ट न्यूरोटिक्स यानी कि जो लोग अपने हृदय के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वैसा यानी कि जो हृदय है वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उन व्यक्तियों में से एक हो जाए कि जो अपने हृदय के बारे में बेफिजूल ही चिंता करते रहते हैं. एंड वरी, एंड यानी कि और, वरी अस बोथ, वरी यहाँ पे चिंता नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि वरी यानी कि डाल देना मुसीबत में, अस यानी कि हमें, बोथ यानी कि दोनों को, यानी कि हम दोनों को वो डाल दे इनटू यानी कि मेरे रियल ट्रबल, रियल यानी कि वास्तव ट्रबल यानी कि परेशानी. कह रहे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनमें से हो जाए जो कि अपने हृदय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हम दोनों को यानी कि खुद को और मुझे भी, हम दोनों को एक वास्तविक परेशानी में डाल दे. When he does worry about me, when यानी कि जब, he यानी कि वह, does worry यानी कि चिंता करता है, about me, about यानी बारे में, me यानी मेरे, यानी कि जब वो वास्तव में मेरे बारे में चिंता करता है, it is nearly always, it यानी कि यह, is यानी है, nearly यानी कि लगभग, या फिर जो हम कह सकते कि हाँ लगभग ही कह सकते हैं, ऑलवेज यानी कि सदैव, अबाउट यानी के बारे में, द रॉन्ग थिंग्स यानी कि रॉन्ग यानी गलत थिंग्स यानी चीज़ें, यानी कि जब भी वो मेरे बारे में चिंता करता है वो सदैव जो है वो गलत चीज़ों के बारे में चिंता करता है, यानी कि जो चीज़ नहीं होती हैं उनके बारे में भी वो बैठ के चिंता करने लगता है. वन नाइट यानी कि एक रात, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग, एज यानी कि जैसे कि ही यानी कि वह, वॉज यानी था, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप यानी कि सोने जा रहा, ड्रिफ्टिंग ऑफ यानी होता है जा रहा या फिर सोने जा रहा, टू स्लीप यानी कि सोने. तो कह रहे कि एक दिन, एक रात वह सोने जा रहा था, जॉन सडनली, सडनली यानी कि अचानक, थॉट यानी कि सोचा, यानी कि एक रात जब जॉन जो है वो सोने जा रहा था तो उसने अचानक से सोचा, आई हैड स्किप्ड, आई हैड यानी कि मैंने किया है स्किप्ड यानी कि छोड़ दिया है, अब बीट यानी एक धड़कन, यानी कि जो जॉन है जब एक रात सोने जा रहा था तो उसने ऐसा अचानक से, उसे ऐसा लगा या महसूस हुआ कि मैंने एक धड़कन छोड़ दी है. ही वॉज क्वाइट वरिड, ही यानी कि वह, वॉज यानी था, क्वाइट यानी कि बहुत, वरिड यानी कि चिंतित, यानी कि वह बहुत चिंतित था. वॉज आई गिविंग आउट, वॉज यानी कि क्या, यहाँ पे वॉज का मतलब हुआ क्या, आई यानी कि मैं, गिविंग आउट यानी कि छोड़ देना, या फिर हम कह सकते कोई कार्य हम कर रहे हैं उससे हमें पीछे हट जाना, ऑन हिम यानी कि उसे, यानी कि वो सोच रहा था कि क्या मैं कहीं उसे छोड़ तो नहीं दे रहा हूँ, यानी कि या फिर कहीं मैंने उससे हार तो नहीं मान लिया है, उसे उसे अकेला मैं छोड़ तो नहीं दूंगा, या फिर मैं उसके लिए ख़राब तो नहीं हो गया हूँ. ही नीडेंट हैव बीन कंसर्न, ही यानी कि वह, या फिर उसे, नीडेंट यानी कि ज़रूरत नहीं थी, हैव बीन कंसर्न, हैव बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, कंसर्न क्या यानी होता है कि चिंतित हो, यानी कि उसे चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी. तो चलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं. John hardly ever thinks of me, which is good. यानी कि John मुश्किल से ही मेरे बारे में सोचता है, जो कि अच्छा है. I don't want him to become one of those hurt neurotics. यानी कि मैं नहीं चाहता कि वो उनमें से बन जाए जो कि अपने हृदय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, and worry us both into real trouble. और हम दोनों को एक बहुत ही बड़ी वास्तविक परेशानी में डाल दे. When he does worry about me, यानी कि जब वो मेरे बारे में चिंता करता है, it is nearly always about the wrong things. यानी कि वो लगभग हमेशा जो है
हमेशा जो है वो गलत चीज़ों के बारे में चिंता करता है। वन नाइट एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, यानी कि एक रात जब वो सोने के लिए जा रहा था, जॉन सडनली थॉट, यानी कि जॉन ने अचानक से सोचा, आई हैड स्किप्ड अ बीट, यानी कि मैंने एक धड़कन छोड़ दी है। ही वॉज क्वाइट वरीड, यानी कि वो बहुत चिंतित था। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, कि क्या मैं कहीं उसे छोड़ तो नहीं दे रहा, या फिर क्या मैं खराब तो नहीं हो गया। ही निडेंट हैव बीन कंसर्न, यानी कि उसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस पैराग्राफ में जो हृदय है वो ये बता रहा है कि जॉन जो है वो कभी उसके बारे में नहीं सोचता है, जो कि अच्छा है, उसे सोचना भी नहीं चाहिए। जो हृदय है वो नहीं चाहता कि जॉन एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो अपने हृदय के बारे में बेमतलब का ही सोचता रहता है, और अगर वो बार बार ऐसा सोचते रहेगा तो वो उसको और अपने हृदय को, यानी कि दोनों को जो है मुसीबत में डाल देगा। और जब भी जॉन जो है अपने हृदय के बारे में कुछ भी सोचता है तो वो सदैव गलत चीज़ ही सोचता है। तो हृदय ये भी बता रहा है कि एक जब जॉन सोने के लिए जा रहा था तो उसको अचानक से ऐसा लगा कि उसके हृदय ने एक धड़कन छोड़ दी है। अब वो बहुत ही चिंतित हो गया कि कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया, या फिर कहीं मेरा हृदय मुझे अब छोड़ तो नहीं रहा है। तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार। आई जेनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेंड आउट इम्पल्सिस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, बट ओकेजनली आई विल मिस फायर, पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर। इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, बट आई हैवेंट। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपन्स विदाउट हिम नोइंग। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हर्ट है वो बता रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर, माय इग्निशन सिस्टम, माय यानी कि मेरा इग्निशन सिस्टम, यानी कि चालक व्यवस्था या प्रज्वलन व्यवस्था, गेट्स यानी कि हो जाती है मोमेंटरली, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्षण मात्र के लिए, आउट ऑफ ट्यून, यानी कि धुन से बाहर, यानी कि जो एक धड़कन की जो धुन होती है। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर, माय इग्निशन सिस्टम, यानी कि जो मेरा चालक व्यवस्था है, गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, यानी कि आउट ऑफ ट्यून, यानी कि वो कभी कभी जो है एक क्षण मात्र के लिए जो है रुक जाती है, या फिर ट्यून से, यानी कि अपनी धुन से बाहर हो जाती है। जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम, जस्ट लाइक, जस्ट यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे द इग्निशन सिस्टम, यानी कि जो चालक व्यवस्था है, ऑन यानी कि में या पर, जॉन्स कार, यानी जॉन के गाड़ी की, यानी कि जैसे जॉन के गाड़ी की जो चालक व्यवस्था है, ठीक उसी तरीके से जो है हृदय बता रहे कि ठीक उसी तरीके से जो मेरी जो चालक व्यवस्था है वो भी कभी कभी क्षण मात्र के लिए जो है समय समय पर अपने धुन से बाहर हो जाती है, अपने धुन को छोड़ देती है। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, आई यानी कि मैं जनरेट यानी कि उत्पन्न करता हूँ, माई यानी मेरा, ओन यानी खुद का, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत या बिजली, यानी कि वे कह रहे हैं कि मैं अपने खुद की बिजली जो है वो खुद से उत्पन्न करता हूँ। एंड सेंड आउट, एंड यानी कि और, सेंड यानी कि भेजता हूँ, आउट यानी बाहर, इम्पल्सिस यानी कि तरंगों को, यानी कि मैं तरंगों को बाहर भेजता हूँ, टू ट्रिगर, ताकि वो शुरू कर पाए कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो सिकुड़ना है वो, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं जो अपनी खुद की बिजली खुद से बनाता हूँ और तरंगों को बाहर भेजता हूँ, ताकि वो जो मेरा निलय है वो सिकुड़ना शुरू हो पाए। बट ओकेजनली, बट यानी कि लेकिन, ओकेजनली यानी कि कभी कभी, आई विल मिस फायर, आई यानी कि मैं, विल यानी कि होऊंगा, मिस फायर यानी कि कह सकते हैं कि छोड़ देना किसी चीज़ को, या फिर रुक जाना, या कि किसी चीज़ से, जैसे कि कोई धड़कन चल रही है तो उसको खो देना। तो ये कह रहा है कि इसीलिए मैं कभी कभी जो अपने धड़कनों को थोड़ा बहुत खो देता हूँ। पाइलिंग वन बीट, पाइलिंग यानी कि रख देना, वन बीट यानी कि एक धड़कन को, ऑन टॉप यानी कि ऊपर ऑफ अनदर यानी दूसरे के। तो कह रहा है कि मैं कभी कभी जो है, बट ओकेजनली यानी कि कभी कभी जो है मैं अपनी धड़कन को जो है खो देता हूँ, जब जो है एक धड़कन दूसरे धड़कन के ऊपर जो है मैं रख देता हूँ, तब, यानी कि वो बता रहे हैं कि जो है कभी कभी जो उसकी धड़कन है, जब एक धड़कन के साथ ही साथ जो दूसरी जो धड़कन है वो एक बीट के साथ जब तुरंत दूसरा बीट हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो अपनी धड़कनों की आवाज़ को खो देता है।
इट साउंड्स, इट यानी कि यह साउंड्स यानी कि सुनने में लगता है, एज यानी कि जैसे, इफ यानी कि यदि, आई हैव यानी कि मैंने, स्किप यानी छोड़ दिया है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा उस वक्त, यानी कि जब एक धड़कन के साथ तुरंत दूसरी धड़कन जो है वो शुरू हो जाती है, तो उस वक्त ऐसा सुनने में प्रतीत होता है जैसे कि मैंने एक धड़कन को छोड़ दिया है. बट आई हैवेंट, बट यानी कि लेकिन, आई यानी कि मैं, हैवेंट ऐसा नहीं करता हूँ या मैंने ऐसा नहीं किया होता है. जॉन वुड बी सरप्राइज, जॉन वुड बी यानी कि होगा, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित, यानी कि जॉन जो है वो आश्चर्यचकित होगा. हाउ ऑफन, हाउ यानी कि कितना, ऑफन यानी कि अक्सर, दिस हैपन्स, दिस यानी कि यह हैपन्स यानी कि होता है, यानी कि जॉन जो है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा कि यह जो है अक्सर कितनी बार होता है. विदाउट हिम नोइंग, विदाउट यानी कि बिना हिम यानी उसके नोइंग यानी कि जाने, यानी कि उसके बिना जाने. तो चलिए इसको एक बार और हम देख लेते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटली आउट ऑफ ट्यून, यानी कि मेरा जो चालक व्यवस्था है वो क्षण मात्र के लिए कभी कभी जो है अपने धुन से बाहर चला जाता है. जस्ट लाइक द इग्निशन सिस्टम ऑफ जॉन्स कार, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे जॉन की गाड़ी का चालक व्यवस्था है. आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैं अपनी खुद की विद्युत यानी खुद की बिजली को खुद से उत्पन्न करता हूँ. एंड सेंड आउट इम्पल्सिस टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, कह रहे कि और अपनी तरंगों को मैं बाहर भेजता हूं ताकि जो सिकुड़ना है वो शुरू हो सके. बट ओकेजनली आई विल मिस फायर, यानी कि लेकिन कभी कभी जो है मैं उन धड़कनों को छोड़ देता हूँ. पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी कि जब जो है मैं कब छोड़ता हूँ उनको, जब जो है एक धड़कन दूसरे धड़कन के ऊपर जो है वो चली जाती है तब, यानी कि लगातार जो है एक धड़कन धड़क के तुरंत जो दूसरा बीट है वो तब होता, जब होता है तब. इट साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, यानी कि ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एक धड़कन छोड़ दी है. बट आई हैवेंट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया होता है. जॉन वुड बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन दिस हैपेंस विदाउट हिम नोइंग, यानी कि जॉन जो है ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि बिना उसके बताए ये कितनी बार होता है. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हृदय है वो हमें बता रहा है कि जो है कभी कभी जो है समय समय पर उसका जो धड़कने का जो एक ट्यून है, जो एक धुन होता है, उसको कभी कभी जो उसका चालक व्यवस्था है उसे एक क्षण मात्र के लिए कभी कभी वो थोड़ा सा छूट जाता है, जैसे कि उसके गाड़ी के, जॉन के गाड़ी के जो चालक व्यवस्था है उसी की तरह. और हर्ट यानी कि हृदय जो है ये भी बताता है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, अपनी बिजली को खुद से बनाता है और फिर तरंगों को बाहर भेजता है ताकि जो उसके नीले हैं वो सिकुड़ने का कार्य शुरू कर सके. लेकिन कभी कभी जो है वो इन धड़कनों को छोड़ देता है तब, जबकि एक बीट लगातार दूसरे बीट के ऊपर हो जाता है तब. और ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि एक धड़कन छूट गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. जॉन को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि बिना उसके जाने ये कितनी बार हो जाता है. तो चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं. रेव काउंटिंग. आफ्टर नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप एंड वरीज because I am racing. That's because when he runs in his dreams, I run too. John's worries actually aggravate things, make me go still faster. If he would calm down, so would I. But if he can't, there is a way to slow me down. The vagus nerves act as a brake. They pass up through the neck, behind the ears, at the hinge of the jaw. Gentle massage here will slow me down. तो ये जो सेक्शन है इसमें जो हर्ट है वो बता रहा है कि रेव काउंटिंग यानी कि जो दिल की धड़कने गिनना है, रेव काउंटिंग का मतलब होता है दिल की धड़कने गिनना. After a nightmare, after यानी कि बाद, a nightmare यानी कि nightmare यानी होता है कि डरावने जो सपने आते हैं रात में, यानी कि एक रात के डरावने सपनों के बाद, he sometimes, he यानी कि वह sometimes यानी कि कभी कभी wakes up यानी कि जागता है. एंड यानी कि और worries यानी कि चिंता करता है, यानी कि कभी कभी जो है वो रात में जब बुरे सपने आते हैं उसके बाद वो अचानक से जागता है और जो है चिंता करता है. बिकॉज यानी कि क्योंकि आई एम रेसिंग, आई यानी कि मैं, एम यानी कि हूँ, रेसिंग यानी कि दौड़ना या फिर तेज दौड़ना है. तो कह रहे हैं कि जब जॉन जो है अचानक से रात में जब उसको
बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं, तो उस वक्त वो जब कभी कभी उठता है और फिर वो चिंता करने लगता है, क्योंकि उस वक्त जो मेरी जो धड़कन होती है वो बहुत तेज हो गई रहती है, और उस वक्त मैं रेस कर रहा होता हूँ, उस वक्त मैं बहुत तेज दौड़ रहा होता हूँ या चल रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज, दैट्स यानी कि इस ऐसा, या फिर या बिकॉज यानी कि क्योंकि, वेन यानी कि जब ही रन्स, ही यानी कि वह रन्स यानी कि दौड़ता है, इन यानी कि मे हिज यानी उसके ड्रीम्स यानी सपनों में, यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपने सपनों में दौड़ता है, आई रन टू, आई यानी कि मैं रन यानी कि दौड़ता हूँ, टू यानी कि भी यानी कि मैं भी दौड़ता हूँ, यानी कि ये जो हर्ट है, हृदय है, जो हम बता रहे हैं कि जब जॉन जो है वो अपने सपनों में दौड़ता है तो उसमें उसके साथ साथ जो है वो मैं भी दौड़ता हूँ, यानी कि उसका हृदय भी दौड़ता है। जॉन्स वरीज, जॉन्स यानी कि जॉन की वरीज यानी कि जो चिंताएं हैं, एक्चुअली यानी कि वास्तव में एग्रीवेट यानी कि बढ़ा देती है या फिर बिगाड़ देती हैं थिंग्स यानी चीज़ों को, यानी कि जॉन की ये जो चिंताएं हैं वो चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, मेक मी, मेक यानी कि कोई कार्य कराना, हम इसमें कह सकते हैं मेक का मतलब, मी यानी कि मुझे, गो यानी कि चलाना, स्टिल यानी अभी भी, फास्टर यानी कि तेज, यानी कि कह रहे कि जो जॉन के जो चिंता है वो मुझे और ज्यादा तेज चलाती है, मुझे और ज्यादा तेज कर देती है। इफ ही वुड काम डाउन, इफ यानी कि यदि, ही यानी कि वह, वुड काम यानी कि काम डाउन यानी कि शांत हो जाने के, यानी कि अगर वो जो है यदि वो शांत हो जाएगा, सो वुड आई, सो यानी कि वैसे ही, वुड यानी हो जाऊंगा, आई यानी कि मैं, यानी कि वैसे ही मैं भी शांत हो जाऊंगा। बट यानी कि यदि, बट यानी लेकिन, इफ यानी अगर, ही यानी कि वह, कांट यानी कि नहीं कर सकता, यानी कि अगर वो शांत नहीं हो सकता है, देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन, देयर यानी कि यहाँ, इज यानी कि है, अ वे यानी एक रास्ता, टू स्लो यानी कि धीमे धीमे करना, मी यानी मुझे, डाउन यानी कि नीचे, यानी कि अगर वो शांत नहीं होता, यानी कि अगर वो खुद से अपने आप को शांत नहीं कर पाता है, तो मुझे शांत करने का एक रास्ता है। द वेगस नर्व्स यानी कि जो मस्तिष्क के तरफ जाने वाली जो नसें होती हैं, एक्ट यानी कि भूमिका निभाती हैं, एज यानी कि जैसे अ ब्रेक, यानी कि एक ब्रेक का, यानी कि ये जो दिमाग के जाने दिमाग तक जो जाती हैं जो नसें, जो छोट जो नसें जो हैं हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से जो दिमाग की तरफ जा रही होती है, वो जो नसें होती हैं वो एक ब्रेक का काम करती हैं, यानी कि उसको रोकने का काम करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, दे यानी कि वे पास अप यानी कि गुजरती हैं, थ्रू यानी कि मे द नेक, या फिर थ्रू यानी कि के तरफ से, नेक यानी कि गर्दन, यानी कि वो गर्दन की तरफ से गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, बिहाइंड यानी कि पीछे, द ईयर्स यानी कि कान के, यानी कि वो कान के पीछे से गुजरती हैं। एट द हिंज, एट यानी कि पर, द हिंज ऑफ, हिंज यानी कि जो जोड़ होते हैं, ऑफ जॉ यानी कि जो जो जबड़ा होता है, जॉ यानी कि जबड़ा, उसका जो जोड़ होता है उसके पीछे से वो गुजरती हैं। जेंटल मसाज, जेंटल यानी कि विनम्र, मसाज जो है यानी कि जो मालिश है, हियर यानी कि यहाँ पर, यानी कि उस उन नसों पर, विल स्लो यानी कि धीमी कर देंगी, माई बीट यानी कि मेरी धड़कन को। तो यहाँ पे जो हृदय वो बता रहा है कि जो दिमाग की जो नसें हों वो एक ब्रेक का काम करती हैं, और ये नसें जो हैं वो गर्दन के से होकर गुजरती हैं कान के पीछे से, और जबड़ों के जो जोड़ होते हैं उनके पास से, और अगर धीमे धीमे वहाँ पे मसाज किया जाए तो ये जो है मेरी धड़कनों को और धीमी कर सकती हैं। तो चलिए इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। रेव काउंटिंग यानी कि धड़कनों को गिनना। आफ्टर अ नाइटमेयर ही समटाइम्स वेक्स अप, यानी कि रात के बुरे सपने के बाद कभी कभी वो जाग जाता है, एंड वरीज और चिंता करने लगता है, बिकॉज आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं उस वक्त रेस लगा रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपने सपनों में दौड़ता है, आई रन टू, तो मैं भी उसके साथ दौड़ता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रीवेट थिंग्स, यानी कि जॉन की जो चिंताएं हैं वो वास्तव में जो चीजें होती हैं उसको और ज्यादा एग्रीवेट यानी कि बिगाड़ देती हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, और ये जो चिंताएं हैं वो मुझे और ज्यादा तेज भगाती हैं। द वेगस नर्स
एक्ट एज अ ब्रेक, यानी कि जो मस्तिष्क के तरफ जाने वाली जो नसें हैं वो एक ब्रेक का काम करती हैं। दे पास अप थ्रू द नेक, यानी कि वो जो है गर्दन के पीछे से गर्दन की तरफ से गुजरती हैं। बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि कानों के पीछे से। एट द हिंज ऑफ द जॉ, यानी कि जो जबड़े हैं उसके जोर से। जेंटल मसाज हियर विल स्लो मी डाउन, यानी कि अगर थोड़ा सा मसाज जो है यहाँ पे या मालिश यहाँ पे आराम से की जाए तो वो मेरे धड़कनों को कम कर सकती हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो हृदय है वो बता रहा है कि जब भी जॉन को जो है डरावने सपने आते हैं रात में, तो वो अचानक से जाग जाता है और उठकर चिंता करने लगता है, क्योंकि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है उस वक्त। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जॉन जो है अपने सपने में दौड़ता है तो उसका हृदय भी उसके साथ दौड़ता है, और जो जॉन की जो चिंताएँ हैं वो उन चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देती हैं, क्योंकि वो उसकी दिल की धड़कन को और ज़्यादा तेज़ कर देती हैं। अगर जॉन थोड़ा सा शांत हो जाए तो उसकी हृदय का जो बीट है वो भी शांत हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो शांत नहीं होता है तो एक और तरीका है उसके दिल की धड़कनों को शांत करने का, जो एक मस्तिष्क तक जाने वाली जो नसें होती हैं वो एक ब्रेक का काम करती हैं। और ये जो नसें हैं वो गर्दन से होकर कान के पीछे से और जबड़े के जोड़ के पास से गुजरती हैं। अगर वहाँ पर धीमे धीमे मसाज किया जाए तो उसकी दिल की जो धड़कनें हैं वो कम या फिर थोड़ी सी शांत हो सकती हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।